हेलो दोस्तों, आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त ब्रजेंद्र और आज आपको मैं ले चलता हूं एक नई भाषा की तरफ। और उस भाषा को हम सभी भाषाओं की जननी के रूप में जानते हैं। यस दोस्तों, आप बिल्कुल सही यस कर रहे हैं। संस्कृत भाषा की शुरुआत आज मैं करने जा रहा हूँ। दोस्तों, संस्कृत भाषा बहुत ज़्यादा प्यारी भाषा है, बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा है, हमारे वेदों की भाषा है, हमारे पुराणों की भाषा है। और हम सभी ने हमारी क्लास में फिफ्थ सिक्स एट्थ में संस्कृत को पढ़ा है। इवन हम नाइन्थ टेंथ में भी संस्कृत को अनिवार्य संस्कृत के रूप में लेके चलते हैं। और दोस्तों, संस्कृत में श्लोक बहुत प्यारे होते हैं। हम सभी ने श्लोक पढ़े हैं और आज भी हम पूजा करते हुए, वंदना करते हुए श्लोकों को अक्सर गुनगुनाते हैं या उनका मन में उच्चारण करते हैं और वो हमारे मन की शांति के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। दोस्तों, आइए अब संस्कृत भाषा को हम जब एक कॉम्पिटिशन के रूप में लेके चलते हैं तो उसमें हमें क्या पढ़ना है और कहाँ से शुरुआत करनी है उसकी मैं आज बात करूंगा। दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक संस्कृत का वर्णमाला है। वर्णमाला टॉपिक में हमें हिंदी की वर्णमाला से एक तुलनात्मक अध्ययन करते हुए पढ़ना है, लेकिन हिंदी की वर्णमाला संस्कृत की वर्णमाला से बस उत्पत्ति के बेस में थोड़ा सा अलग है, बाकी कंटेंट उसके मैटर सेम है। दोस्तों, संस्कृत भाषा की जब बात आती है तो संस्कृत भाषा में जो वर्ण की उत्पत्ति की बात बताई जाती है वो पाणिनि, महर्षि पाणिनि के 14 माहेश्वर सूत्रों को वर्णमाला यानी वर्ण की उत्पत्ति का आधार माना गया है। दोस्तों, एक श्लोक याद आ रहा है मुझे, लेकिन उसकी एक पंक्ति मुझे अभी तो अच्छे से नहीं याद है, दूसरी पंक्ति का मैं जिक्र करना चाहूंगा। नृत्यावसाने नटराज राजो नना दिढ़काम नौ पंच बारम। नृत्यावसाने, नृत्य करते हुए, नृत्य करने के दौरान नटराज राजो, नटराज अर्थात भगवान शंकर ने ननादि ढक्काम, ननादि बजाय ढक्काम डमरू को नौ पंच बारम, नौ पांच 14 यानी कि 14 बार। तो श्लोक में इस बात का उल्लेख है कि भगवान नटराज यानी भगवान शंकर जी नृत्य करते हुए अपने डमरू को 14 बार बजाते हैं और 14 बार बजाते जो ध्वनि आती है उन 14 ध्वनियों को 14 माहेश्वर सूत्र का रूप दिया महर्षि पाणिनि ने। दोस्तों, 14 माहेश्वर सूत्र आपने सुने होंगे पहले, आईपूर्ण रीरीत एओंग अयोच हैरवट लड़ अमंगणनम जभय घट दस जब घट दस खप छठत छठ तव कपय शशर हल। दोस्तों, अधिकतर जो संस्कृत के विद्यार्थी होते हैं उनको याद होता है, और आपको नहीं याद है तो मैंने आपके लिए लिखा हुआ है यहाँ पे, आप वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक करके इनको आप नोट कर सकते हैं। आ ई कूड रील रील रिक एओंग अयौच हाय वरट लड़ यमगणनम जभय घड धस जब घड दश खप छठत छठ तव गपय शश सर हल। दोस्तों, ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं जो संस्कृत भाषा में वर्णों की उत्पत्ति का स्रोत है। अब दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि इन 14 माहेश्वर सूत्रों का संस्कृत भाषा में बहुत ज्यादा महत्व है। 14 माहेश्वर सूत्रों की सहायता से 42 प्रत्याहार बनाए गए हैं। ये टेट की परीक्षा में पूछा गया था कि प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, 42, 42 प्रत्याहार होते हैं। और प्रत्याहार है क्या, प्रत्याहार एक विशेष प्रकार के, यहाँ पे आप कह सकते हैं विशेष सूत्र है जिसमें पाणिनि के महेश्वर सूत्रों के वर्णों को विशेष रूप से रखा गया है। विशेष सूत्र के रूप में जैसे अगर हम यहाँ पे आच प्रत्याहार की बात कर ले और यहाँ पे अक प्रत्याहार की बात कर ले, इक प्रत्याहार की बात कर ले, एच प्रत्याहार की बात कर ले। दोस्तों, जो प्रत्याहार है अगर इनको आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप बहुत ही ध्यान से सुनिए मैं जो बताने जा रहा हूं। पहली चीज तो प्रत्याहार एक विशेष प्रकार के सूत्र होते हैं। ये बनते कैसे हैं अगर इसकी बात की जाए तो पाणिनि के महेश्वर सूत्र से हम सूत्रों को उठाते हैं, यानी अगर हम अच प्रत्याहार की बात करते हैं, या सबसे पहले मैं अग प्रत्याहार का जिक्र करना चाहूंगा। अग प्रत्याहार तो यहां भी देखेंगे आ से लेकर के का तक, ये
तो अग प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो यहाँ पे आ ई उ री रि। दोस्तों अग प्रत्याहार के ये वर्ण आएंगे, अर्थात यहाँ पे आप लिख लेंगे आ ई उ री और लि। दोस्तों प्रत्याहार बनाते समय हलंत वर्ण को प्रत्याहार में शामिल नहीं किया जाता है। हलंत वर्ण किसे कहते हैं, जो वर्ण आधे होते हैं। अगर यहाँ सूत्र में देखेंगे तो माहेश्वर सूत्रों का अंतिम वर्ण हलंत वर्ण होगा, सब में हलंत लगा होगा। तो प्रत्याहार बनाने का ये नियम होता है कि प्रत्याहार जब बनाते हैं तो प्रत्याहार में हम हलंत वर्ण को यानी सूत्र के अंतिम वर्ण को शामिल नहीं करते हैं। अर्थात अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि अग प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो यहां से देखेंगे आ ई ओ री री, इसको और इसको छोड़ देंगे। नामकरण करते समय तो अंतिम वर्ण को लिया गया कि अग आ और का, तो आ और का के बीच के वर्ण लिए जाएंगे, का को नहीं लिया जाएगा और हलंत वर्ण को नहीं लिया जाएगा। ये प्रत्याहार बनाने का नियम होता है। ऐसे अगर इक प्रत्याहार की बात की जाए तो हम ई से शुरुआत करेंगे, ई उ री रि, अर्थात ई उ री रि इक प्रत्याहार में आपके चार वर्ण आएंगे ई उ री और लि, ये आपके इक प्रत्याहार में। लेकिन जब आप अच प्रत्याहार की बात करते हैं तो आ से लेकर के चा तक, यहां तक पूरा आपका आ जाएगा आ ई आ के बाद ई फिर री री ए ओ ए ओ, ये पूरा अच प्रत्याहार में आ जाएगा। एच प्रत्याहार की बात करेंगे दोस्तों तो एच प्रत्याहार में ए ओ ए ओ आएगा। तो कहने का मतलब ये है प्रत्याहार में पाणिनि के माहेश्वर सूत्रों के को क्रम से रखा गया होता है और 42 प्रत्याहार होते हैं। परीक्षा में क्या होगा कि किसी प्रत्याहार को दे देगा और पूछेगा कि इस प्रत्याहार में कौन सा वर्ण नहीं आता है या कौन सा वर्ण आता है। तो प्रत्याहार बनाना आपको पता होना चाहिए और प्रत्याहार के प्रश्नों को करने के लिए आपको पाणिनि के माहेश्वर सूत्रों को याद करना बेहद जरूरी होता है। दोस्तों ये तो थे प्रत्याहार। आपको याद रखना है कि प्रत्याहार की संख्या 42 है और प्रत्याहार माहेश्वर सूत्रों की सहायता से बनाया जाता है। अब दोस्तों संस्कृत में जब वर्ण की बात की जाती है तो वर्ण यहाँ पे हिंदी की तरह भी दो होते हैं। नंबर एक का नाम है यहाँ पे अच, जिसे हम स्वर कहते हैं, और नंबर दो पे है यहाँ पे हल, जिसे हम व्यंजन कहते हैं। दोस्तों ये अच और हल नाम मिला कहां से, अगर आप देखें तो ये प्रत्याहार है अच। अगर आप देखें तो अच प्रत्याहार में कौन कौन से आएंगे, तो यहां देखेंगे आ ई उ री लि ए ओ ए औ, यानी कि ये पूरे जो वर्ण आपके हैं एक से लेके चार सूत्र के हलंत वर्ण को हम शामिल नहीं करते, ये मैंने आपको पहले बताया है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर वर्ण आते हैं। यहां देखिए आ ई उ री लि ए ओ ए औ, तो यहां तक जो भी वर्ण आप देख रहे हैं अच प्रत्याहार के अंतर्गत, ये सभी के सभी स्वर हैं। इसीलिए संस्कृत भाषा में स्वर को हम अच नाम से जानते हैं। दोस्तों इसी तरह से अगर हम हल की बात करें, जिसे हम व्यंजन कह रहे हैं, तो हल नाम जो है ये भी प्रत्याहार की देन है। आप हा से नजर डालिएगा और ला तक जाइएगा, यानी कि यहाँ पे पांचवें सूत्र से लेकर के चौदहवें सूत्र का अंतिम अक्षर, तो हा के बाद जितने भी वर्ण है यहाँ हा या वह, ये जितने भी लिखे अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां से यहां तक ला तक, तो हल प्रत्याहार में समस्त वर्ण जो है वो व्यंजन वर्ण है। इसीलिए हम संस्कृत भाषा में व्यंजन को हल नाम से जानते हैं। दोस्तों यही चीजें संस्कृत व्याकरण को हिंदी व्याकरण से वर्णमाला के टॉपिक में अलग करती हैं। बाकी आगे जो भी आपको हिंदी व्याकरण में मैंने पढ़ाया था कि स्वर तीन प्रकार के होते हैं, लघु स्वर दीर्घ स्वर प्लुत स्वर, सब कुछ यहाँ पे समान है, और व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं ये भी मैंने आपको पढ़ाया है हिंदी के लेक्चर में कि स्पर्शी व्यंजन है, अंतस्थ है, ऊष्म है, संयुक्त अक्षर है, तो सभी चीजें समान है और कोई भी चीज अलग नहीं है संस्कृत भाषा में। इतना आप विशेष तौर पे संस्कृत में तैयार करना। जो हमने प्रत्याहार का जिक्र किया, पाणिनि के माहेश्वर सूत्रों का जिक्र किया, प्रत्याहार बनता कैसे है और प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण शामिल होते हैं, प्रत्याहार में हलंत वर्ण शामिल नहीं होते हैं, यही सारी बातें जो है संस्कृत भाषा के व्याकरण को हिंदी व्याकरण से वर्णमाला के टॉपिक में अलग करती है। इसके अलावा सभी चीजें समान है।
तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप ये टॉपिक समझ गए होंगे वर्णमाला में, और हिंदी के वीडियो और इस वर्णमाला की वीडियो को दोनों को एक साथ देखते हुए आप हिंदी के और संस्कृत के वर्णमाला को अच्छे से तैयार कर पाएंगे। यही मेरी उम्मीद है, यही मेरी आकांक्षा है। दोस्तों, ये था हमारा वीडियो संस्कृत का। अगला वीडियो संस्कृत का संधि पे आधारित होगा, और आई होप आप अच्छे से उसको समझ रहे हैं। और एक श्लोक का जिक्र करना चाहूंगा जो आप सभी जानते हैं, काक चेष्टा बहु ध्यानम स्वर्ण निद्रा तथैच अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। तो दोस्तों, आप अभी विद्यार्थी हैं और इन पांच लक्षणों को आप अपनाइए और अपनी परीक्षा पे पूरा फोकस करिए, और उम्मीद करता हूँ आप अच्छी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हमारे वीडियो आपकी पढ़ाई में मददगार साबित हो रहे हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप कॉमेंट भी जरूर करिए और अपने दोस्तों से शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, गुड लक, थैंक यू सो मच।